चुनाव के नतीजों को आए एक महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन कांग्रेस अभी तक ये तय कर नहीं पा रही कि इस दशा में उनकी पार्टी की दिशा क्या होगी, अध्यक्ष कौन होगा। 25 मई को राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश कर दी थी, छोड़ा नहीं था। आज यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस के सभी 51 लोकसभा सांसदों की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। इस बैठक का मुद्दा फिर से वही था, राहुल गांधी अपना इस्तीफा वापस लें। बैठक में शामिल हुए सारे सांसदों ने एक बार फिर से कोशिश की कि राहुल को मनाएं कि वो अपना इस्तीफा वापस ले लें। हमें हैरानी नहीं हुई, लेकिन राहुल ने यह साफ कह दिया कि वो कांग्रेस अध्यक्ष के ओहदे पर नहीं बने रहना चाहते। राहुल गांधी ये भी चाहते हैं कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष गांधी परिवार से ना होकर कोई और हो। कांग्रेस नेताओं के तर्क हैं कि लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी सिर्फ राहुल की नहीं पूरी पार्टी की है, इसलिए राहुल को अपना इस्तीफा वापस ले लेना चाहिए। हमें हैरानी नहीं हुई। यूथ कांग्रेस ने आज राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने नारे लगाए, हमारा नेता कैसा हो राहुल गांधी जैसा हो। हमें हैरानी नहीं हुई। ये लोग राहुल गांधी से अपना इस्तीफा वापस लेने की मांग कर रहे थे। ठीक 20 साल पहले मई के महीने में सोनिया गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी, तब भी ऐसे ही नज़ारे देखे गए थे जैसे आज है। आज 20 साल बाद बिल्कुल वैसे ही नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। ये बात और है कि 20 साल पहले सोनिया गांधी कांग्रेसियों के आग्रह पर, सस्नेह आग्रह पर, उसके बाद लगातार 19 साल अध्यक्ष रही। जरा सुनिए। आज देश भर के युवा यहाँ इकट्ठे हैं और इस बात के लिए इकट्ठे हैं कि हम सभी आग्रह करेंगे माननीय श्री राहुल गांधी जी से कि पुनः एक बार वो विचार करें पार्टी का और हम सभी का नेतृत्व करें, हम सभी उनके नेतृत्व में काम करने को। आज के राजनीति में आप देख रहे हैं जिस तरीके की निगेटिव राजनीति चल रही है देश में, हाहाकार मचा हुआ, उसमें एक स्वच्छ राजनीति के स्वच्छ चेहरा है राहुल गांधी। वो संपूर्ण गांधीवादी विचारों पे वो राजनीति करते हैं, तो इस दौर में ऐसे ही राजनेताओं की जरूरत है। बातचीत के लिए मेरे साथ हैं अनिल मिश्र, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा चुके हैं। बहुत शुक्रिया अपना समय मुझे देने के लिए। अगर राहुल गांधी अध्यक्ष के ओहदे पर नहीं बना रहना चाहते तो ना बने, मतलब इतना दबाव क्यों डाला जा रहा है उन पर, और उनके सामने रास्ते क्या हैं? वैसे मार्गदर्शक बनना या बिना जिम्मेदारी लिए रिमोट कंट्रोल हाथ में लेकर बाल ठाकरे बनना, या हर राज्य के, हर प्रदेश के, हर शहर के, हर गांव में जाकर पार्टी को फिर से खड़ा करना जो नरेंद्र मोदी के मुताबिक जड़ से उखड़ चुकी है, रास्ते क्या हैं? रास्ते बहुत कठिन हैं अभी, और ये स्वाभाविक है कि राहुल गांधी के इस्तीफा के बाद जिस तरह से कांग्रेस में हलचल हो गई तो इतना आसान नहीं है कि उस इस्तीफा को स्वीकार कर लिया जाए, क्योंकि आप अगर देखेंगे पिछले 10 सालों में कांग्रेस और गांधी परिवार पर्यायवाची शब्द की तरह यूज़ किया जा रहा है। कांग्रेस का अस्तित्व गांधी परिवार के बिना, जो अब कांग्रेस में लोग बचे हुए हैं, वो उनके लिए असहनीय है। लेकिन मैं यहाँ साफ कर देना चाहता हूँ, जो तीसरा रास्ता 15 साल कह सकते हैं पीवी नरसिम्हा राव के बाद जी, तो इसलिए मैं जो आपने तीसरा रास्ता सुझाया है, जो बताया आपने मेरे सामने, मुझे लग रहा है कि वही सही रास्ता है। कर पाएंगे? अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है सच्चाई से और मन से तो उन्हें ये करना चाहिए। मैं सोच रहा था कि आज ये वक्त है कांग्रेस के पास कि वो इस, और गांधी परिवार के पास, कि वो पार्टी के प्रति अपनी लॉयल्टी, कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से बड़ी पार्टी है, उसका इतिहास, उसके संस्कार, वो तमाम चीज़ें हम सब जानते हैं, तो कांग्रेस जन को भी चाहिए कि वो अपनी लॉयल्टी पार्टी के प्रति ज़्यादा मजबूत करें। उस जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि विचारों की लड़ाई है, वो किस विचारों की लड़ाई है, किन सिद्धांतों की लड़ाई है, उस विचार, उस सिद्धांत को लेकर जन जन तक जाएं। मैं इस बात से सहमत हूँ कि राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के हार के जिम्मेदार नहीं हैं, और बिल्कुल नहीं, उनके साथ जो सिपा सलार थे, तमाम कमेटियाँ बनी थी, आनंद शर्मा, चिदम्बरम जी, और आपको याद होगा कि 2014 में जब 44 सीटें आई थी तो एक कमेटी बनी थी एके एंटनी के साहब के नेतृत्व में, उसने अपनी हार के कारणों की समीक्षा, उस हार के कारणों की समीक्षा में उन्होंने दो बातें मुख्य रूप से कही थी। एक कि कांग्रेस पार्टी
ज़्यादा एंटी हिंदू और अधिक प्रो मुस्लिम दिखाई दे रही है परसेप्शन में, और दूसरी कि हम अपनी उपलब्धियों को लोगों तक नहीं पहुंचा सके, ये दो बातें कही थी, और संगठन हमारा कमज़ोर हो गया है, हमें संगठन पर ध्यान देना चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 से 19 तक की जो यात्रा कांग्रेस पार्टी की रही, जहां 44 सीटें उसे आ गई थी 206 सीट से 2009 में, जी वहां कांग्रेस पार्टी ने कौन कौन से वो कदम उठाए जिससे उनके संगठन को मजबूती मिली? तीन साल तो कदम उठाए ही नहीं ना। कौन सा आंदोलन हुआ? और मैं आश्चर्य से देख रहा था कि वही लोग फिर समीक्षा कर रहे हैं हार के कारणों का, जो खुद उसके कारण है। जी हमें तो ये लगता है कि कांग्रेस की हड्डियों में जंग लग चुका है, वो इस लायक नहीं रहे कि सड़क पर उतरकर आंदोलन भी कर पाएं। हम बार बार कहते रहे कि चार तरह की कांग्रेस राहुल गांधी को मिली है, इंदिरा गांधी के ज़माने की कांग्रेस जिसमें मोतीलाल वोरा, ए के एंटनी जैसे लोग शामिल हैं, उसके बाद संजय गांधी की कांग्रेस जिसमें आनंद शर्मा, कमलनाथ, जगदीश टाइटलर जैसे लोग शामिल हैं, राजीव गांधी की कांग्रेस जिसमें पी चिदम्बरम, सैम पिट्रोडा, जयराम रमेश जैसे लोग शामिल हैं, और फिर राहुल गांधी की अपनी कांग्रेस, छाताधारियों की कांग्रेस जो अपने पिताओं की वजह से हैं, चाहे वो सचिन पायलट हों, चाहे वो जितिन प्रसाद हों, चाहे वो रणदीप सिंह सुरजेवाला हों, चाहे वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा हों। तो ऐसे में मुझे लग रहा है या हम सबको लगता है कि गर्मियाँ भी बहुत हैं, सड़क पर उतरने का मौसम भी नहीं है, तो क्यों ना दो तीन साल आराम कर लिया जाए। सड़क पर जाकर, गांव-गांव जाकर कांग्रेस को खड़े करना मुझे राहुल गांधी के बस का लगता नहीं है। आपको लगता है, मैं नहीं जानता। हमने जैसा पहले बताया कि राहुल गांधी ये भी चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार का ना हो। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि कोई नॉन गांधी कांग्रेस का प्रेसिडेंट जरूर हो सकता है, लेकिन गांधी परिवार को पार्टी के अंदर एक्टिव रहने की ज़रूरत है। यानी वही बात जो मैंने कही, मार्गदर्शक बन के या रिमोट कंट्रोल लेकर। उन्होंने ये भी कहा, एंड आई कोट, यू सिंपली कट ऑफ द हेड देन द चिकन में स्टार्ट फ्लटरिंग। अगर आप किसी मुर्गे का सिर ही कलम कर देंगे तो वो सिर बिना मुर्गा फड़फड़ाने लगेगा। इस बयान में मुर्गे से उनकी मुराद कांग्रेस से है, और मुर्गे के सिर से उनका मतलब नेहरू गांधी परिवार से है। राहुल गांधी ने अपनी पार्टी को अध्यक्ष पद का कोई और विकल्प ढूंढने के लिए एक महीने का वक्त दिया है, जबकि कांग्रेस के ज़्यादातर नेताओं का मानना है कि राहुल को ही अध्यक्ष पद पर बने रहना चाहिए। वैसे कांग्रेसियों से उम्मीद भी नहीं की जा सकती है कोई नई बात करने की। मेरा दूसरा सवाल है आपसे मिश्रा साहब, मणिशंकर ने जैसा कि कहा कि सिर के बिना मुर्गे का शरीर फड़फड़ाने लगता है, तो क्या गांधी परिवार के बिना कांग्रेस का कोई भी भविष्य आपको दिखता है? नहीं, ये सवाल ही कुछ अजीब सा है कि कांग्रेस के, गांधी परिवार के बिना कांग्रेस का भविष्य दिखता है या नहीं दिखता है। लेकिन अजीब कैसे है? अजीब इसलिए है कि हम किसी परिवार से उतनी बड़ी पार्टी को जोड़ कर ही देखें, ये हमेशा उचित नहीं होता है। तो भविष्य है, मतलब भविष्य है। हाँ, मैं मानता हूँ कि भविष्य है, लेकिन लेकिन मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, भविष्य तभी है जब वो बिल्कुल सच्चाई से इस, ये जो सत्ता का परिवर्तन है उनको बिल्कुल सच्चाई से अगर उसको लागू करने की कोशिश करें और एक कलेक्टिव लीडरशिप इवॉल्व करने की कोशिश करें, तभी ये संभव है, वरना ये फिर संभव नहीं होगा। जैसा कि सीताराम केसरी, नरसिम्हा राव और तमाम लोगों के साथ हुआ, जी वैसे में फिर ये संभव नहीं है कि आप एक अलग तरह की पार्टी भी खड़ी करें जो बिल्कुल लोकतांत्रिक हो। आपको याद होगा कि 1997 में कलकत्ते के अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के CWC के मेंबर के चुनाव हुए थे, और वो चुनाव बिल्कुल पारदर्शी थे और 10 लोग चुने गए थे उस चुनाव में। तो इस तरह के, जैसा मैं मान रहा हूँ कि अगर ये कोई रूठने और मनोबल की बात नहीं है, ये पॉलिटिकल बातें हो जाती है। आप कांग्रेस का महाधिवेशन बुलाइए, आप पंचायत से लेकर जिला अध्यक्षों की बात सुनिए, आप अपने ही 10 लोग बात सुनते हैं, उसी की समीक्षा करते हैं। ये आप किससे कह रहे हैं कि कौन बुलाएं कौन सुने? मैं पूरे कांग्रेस के लोगों से कह रहा हूँ। नहीं, आप नेहरू गांधी परिवार से कह रहे हैं? नेहरू गांधी परिवार से कह रहे हैं, बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि उनके बिना कांग्रेस का भविष्य क्या है? तो उनके बिना तभी बनेगा ना भविष्य, उनके बिना। अच्छा, जैसे आप उनके बिना तो तभी भविष्य बन सकता है कि, और सिर्फ ये इसलिए मैंने कहा ये सवाल कि वो भी कांग्रेस के हिस्सा हैं। दे हैव प्लेड अ वेरी हिस्टोरिकल रोल इन बिल्डिंग ऑफ द कांग्रेस। जी, हम हिस्टोरिकल रोल की तरफ चलते हैं। कांग्रेस भले जोर दे रही हो कि उनका अध्यक्ष गांधी परिवार से ही होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के कई अध्यक्ष गांधी परिवार के बाहर से भी रहे हैं।
सन 1885 में जब कांग्रेस बनी थी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और डब्ल्यू सी बॉनर्जी, वो पहले अध्यक्ष थे बॉनर्जी जो थे, तब से लेकर आज तक कांग्रेस के 87 अध्यक्ष रहे हैं, जिसमें 31 साल नेहरू गांधी परिवार के लोग अध्यक्ष रहे हैं। बाकी 56 सालों में कुछ जाने माने नाम इस तरह के हैं जो अध्यक्ष रहे हैं: दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, हकीम अजमल खान, अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन, यू एन ढेबर, पी वी नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहा है कि माना जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में फिलहाल डॉक्टर मनमोहन सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, सुशील कुमार शिंदे जैसे नाम शामिल हैं, लेकिन ये सब गांधी परिवार के स्वामी भक्त हैं। जबकि जो नाम मैंने गिनवाए अभी, जो बिना गांधी परिवार के हैं, वो स्वामी भक्त नहीं थे परिवार के। क्या मुमकिन है कि कांग्रेस के पास आज के दिन ऐसा एक भी नाम हो जो स्वामी भक्त ना हो लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष बन सकता हो? अगर आप मुझे नाम न पूछे तो अच्छा है, लेकिन ऐसे नाम हैं जो स्वामी भक्त नहीं है और कांग्रेस में है, सक्रिय हैं ऐसे, क्योंकि ये एक परसेप्शन की बात है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कांग्रेस और गांधी परिवार को एक दूसरे का पर्यायवाची मानना गलत है। पार्टी उससे कहीं बड़ी है, परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उसके बाहर बहुत सारे ऐसे लोग हैं पार्टी के अंदर जो ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अपने विचारों और सिद्धांतों पर लौटकर संगठन को मजबूत करते हुए, अगर गांधी परिवार का उसमें सहयोग तो रहेगा ही, वो रहेंगे ही। अब आप मार्गदर्शक के रूप में कहें या उनकी जो भी भारत में रिमोट कंट्रोल के रूप में कहें, नहीं रिमोट कंट्रोल तो ठीक सब नहीं है, फिर उससे फिर नई राजनीतिक संस्कृति नहीं बन पाएगी। गांधी ने बिना कुछ होते हुए वो जो बिल फाड़ दिया था मनमोहन सिंह का, भूमि अधिग्रहण का, नहीं तो अब वो क्या ताकत थी उनके पीछे? उन सारी चीज़ों का नतीजा तो सामने है ना जी। तो ऐसे लोग हैं आपकी निगाह में जो स्वामी भक्त नहीं हैं लेकिन अध्यक्ष बन सकते हैं? बन सकते हैं लेकिन आप उनका नाम नहीं लेना चाहते? नाम लेने से अगर उनको उन्हीं को परेशानी हो जाए तो फिर ये अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन ऐसे लोग हैं और आप भी जानते हैं शायद।